स्वास्थ्य विभाग और मरीजों के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली 108 सेवा भी ठप होने की कगार पर पहुंच गई है। साल 2008 में शुरू हुई राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा का लोगों को भरपूर लाभ मिला, लेकिन वर्तमान में इस योजना के हालात बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में 7 सितंबर के बाद लोगों को मुफ्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग और जीविके के बीच अनुबंध समाप्त हो रहा है, जिसको लेकर जीविके ने स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करने में असहमति व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य महानिदेशालय को पत्र भेजा है। जीविके ने जिस तरह से उत्तराखंड में 108 चलाने में अपनी अनिच्छा जाहिर की है, उससे यही आशंका लग रही है कि अगले माह से प्रदेश में 108 सेवाओं पर ग्रहण लग जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए टेंडर तक नहीं हुए हैं, जिससे इसके संचालन पर रोक लग सकती है। वहीं सरकार के मुखिया इन दिनों इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर व्यस्त हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे गर्त में जा रही हैं। महानिदेशालय को किसी भी योजना के लिए शासन के अधिकारियों के आदेश का इंतजार रहता है, जिसके चलते कई योजना अधर में ही दम तोड़ देती हैं। 2012 चुनाव में सरकार के भाषणों में 108 एम्बुलेंस को अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर भाजपा ने जमकर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन अब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो एजेंडा बदल गया और 108 एम्बुलेंस धीरे धीरे गायब होती जा रही है। यूं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन सरकार के मुखिया का विभाग होने के बावजूद यहाँ बेहतर उपचार की व्यवस्था के बजाय स्वास्थ्य सेवाओं के और भी ज्यादा बुरे हाल हो गए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने जीविके के अधिकारियों के द्वारा भेजे गए पत्र की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई है कि वो अब एम्बुलेंस का संचालन नहीं कर सकते। तो उनके संचालन करने वाली जो कंपनी है उसके द्वारा एक चिट्ठी दी गई है कि 7 तारीख को उनका 7 सितंबर को उनका कार्य अनुबंध खत्म हो रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम अनिच्छुक हैं, हमारे क्लेम्स हैं उसकी वजह से, ऐसी चिट्ठी आई है।